मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक पोस्टर को लेकर विवाद हो गया है। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर लगाकर लिखा गया है मामा का श्राद्ध। श्राद्ध में भाजपा ने दिया शिवराज मामा को टिकट, ये भी लिखा है। इस पोस्टर को विद कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट किया गया है। शिवराज सिंह चौहान को प्यार से लोग मामा कहते हैं, ये सभी जानते हैं। पोस्टर सामने आने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने इस पर एक्स पर आरोप लगाया कि कांग्रेस उनके पिता के श्राद्ध की बात कर रही है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो अगर मर भी जाएंगे तो राख के ढेर से पक्षी की तरह अपनी जनता की सेवा के लिए पैदा हो जाएंगे। इधर कांग्रेस ने ऐसे किसी भी पोस्टर को जारी करने से इनकार किया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उन्हें बीजेपी में अपने दुश्मनों की चिंता करनी चाहिए जिन्होंने उन्हें श्राद्ध पक्ष में टिकट दिया। कांग्रेस के लोग दिन और रात सवेरे शाम एक ही नाम शिवराज चौहान। मैं शिवराज हूँ, अपनी जनता का सेवक। अगर मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा अपनी जनता की सेवा के लिए। मेरा श्राद्ध करने की दुआ करने वालों, मेरे श्राद्ध करने की दुआ करने वालों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम भी सुखी रहो। और उधर कमलनाथ ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि प्रिय शिवराज जी, ईश्वर आपको दीर्घायु दे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपको हर चीज के पीछे कांग्रेस पार्टी ही क्यों नजर आती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से वैसा कोई भी ट्वीट नहीं किया गया है। अगर आपको वाकई लगता है कि आपके खिलाफ किसी ने ट्वीट किया है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। बिना किसी तथ्य के कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाना राजनीति का निचला स्तर है। सहानुभूति हासिल करने के लिए झूठा दुष्प्रचार नैतिकता नहीं है।